नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में। राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बुंदेलखंड दौरे की। महोबा दौरे पर सीएम ने बुंदेलखंड के लिए सौगातों की बरसात कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महोबा में जल संकट को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। एसपी सरकार बुंदेलखंड में 100 तालाब खुदवा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एसपी सरकार अपने संसाधनों से हर संभव मदद इलाके के लोगों को देने का प्रयास कर रही है। ये दौरा अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड वासियों को समर्पित करते हुए कहा कि 100% समाजवादी पेंशन उन्हें दी जाएगी। बुंदेलखंड की समस्याओं का समाधान करने के लिए एसपी सरकार बजट के दायरे से भी बाहर निकलकर राह की जनता के लिए काम करेगी। तो ये बुंदेलखंड दौरा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का और बहुत सारे सौगात यहाँ की जनता को दे गया है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि बाकी जो भी दलें साफ तौर पर नाम लिया उन्होंने बीजेपी और बीएसपी का। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में सूखे के नाम पर बाकी दल सियासत करते हैं, जबकि समाजवादी सरकार दिल से चाहती है कि बुंदेलखंड की जनता को सूखे से राहत मिले। और यही वजह है कि उनकी सरकार यहां पर काम कर रही है। और अगर जरूरत पड़ी तो जो बजट का दायरा है सरकार उसे भी तोड़कर बाहर निकलेगी, लेकिन उसकी कोशिश यही रहेगी कि बुंदेलखंड से सूखे को दूर कर वहां की जनता को राहत पहुंचाई जाए। ये समाजवादियों को अगर पेंशन बढ़ा करके ज्यादा देनी पड़ी हो, ये समाजवादी पेंशन हमने जिलाधिकारी से लेकर के तमाम अधिकारियों का है कि जो गरीब हैं अगर उन्हें समाजवादी पेंशन मिलनी चाहिए, मिल सकती है, तो कम से कम बुंदेलखंड में 100% उन गरीब परिवारों को समाजवादी पेंशन देने का काम करें। ये तालाब खुदवा दिए, डैम बन रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारी होगी कि खेतों तक पानी कैसे पहुंचाएं, क्योंकि अगर डैम बन जाए और खेतों तक पानी न पहुंचे तो मैं समझता हूं जो हम मदद करना चाहते हैं वो मदद अधूरी रह जाएगी। इसलिए हम खेतों तक भी पानी पहुंचाना चाहते हैं। भाई पानी पीने का इंतजाम कैसे हो जाए, उस दिशा में भी हम लोग काम करना चाहते हैं। जो काम किया है तालाबों पर, ये रुके नहीं, तालाबों को खोदने का, बचाने का ये काम बुंदेलखंड में लगातार चलता रहेगा। चाहे हमें अलग से बजट का इंतजाम करना पड़े, हम उस बजट का इंतजाम करेंगे जिससे कि बुंदेलखंड के तमाम तालाबों को बचाया जा सके और वहां पर बरसात के समय पर पूरा का पूरा पानी पहुंच जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने महोबा के किसानों के साथ सीधा संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने झांसी के किसानों की समस्याएं सुनी और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार अपने संसाधनों से ही किसानों की मदद कर रही है। केंद्र सरकार से फंड की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र ने हाथ खड़े कर दिए। तो ऐसे में अगर बजट का दायरा तोड़कर बाहर भी निकलना पड़े राज्य सरकार को, तो भी राज्य सरकार पीछे नहीं हटेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कानपुर पहुंचने से पहले कानपुर में पोस्टर वॉर एक बार फिर से शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां शाह की शान में पोस्टर सजाए हैं, तो वहीं कांग्रेस भी पोस्टर्स के जरिए मोदी सरकार पर कटाक्ष कर रही है। वहीं शाह से कई सवाल पोस्टर में पूछे गए हैं। पोस्टर में एक तरह सोनिया और मनमोहन सिंह की तस्वीर है, तो दूसरी तरफ मोदी और शाह की तस्वीर भी चमचमा रही है। इस पोस्टर में सवाल लिखे हैं कि बड़बोले मोदी बताएं कि मनमोहन मौनी कैसे और काला धन कहां है। तो इसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं जो इन पोस्टर्स के जरिए यहां पर पूछे गए। कांग्रेस के लिए ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 60 बरस में देश में क्या किया। कांग्रेस ने 60 बरस में दाल की कीमत 70 रुपए से ज्यादा नहीं पहुंचने दी, इन्होंने 2 बरस में 180 रुपए तक पहुंचा दिया। $50 प्रति बैरल के क्रूड ऑयल आज के भाव पे, अंतरराष्ट्रीय बाजार के भाव पर हम 70 रुपए 68 रुपए पेट्रोल खरीदने में बाध्य हैं, और मनमोहन सिंह जी की सरकार में $145 प्रति बैरल पे हम 78 रुपए पेट्रोल खरीदते थे। कितना बड़ा फर्क है, ये कितना झूठ बोलते हैं, देश को कितना लूट रहे हैं, ये बताने के लिए होल्डिंग लगाई है और इनको आईना दिखाने के लिए होल्डिंग लगाई है। नरेंद्र मोदी को प्रशांत किशोर ने भले ही पीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया हो, नीतीश कुमार को भले ही मुख्यमंत्री की जीत यहां पर दिलाई हो, लेकिन इसी कामयाबी की बदौलत राहुल सोनिया ने उन्हें यूपी की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। पर यूपी में कांग्रेसियों को अब भी पीके पर कतई भरोसा नहीं है। क्या पीके लगाएंगे कांग्रेस की नैया पार? केंद्र बिहार के बाद भी पास होगा यूपी में प्लान पीके। पूरे देश में एक के बाद एक चुनाव में कांग्रेस को मिल रही हार के बाद कांग्रेस अब पी के भरोसे है, जिसके लिए उसने यूपी चुनाव को लेकर इसकी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर को दी है।
लेकिन यूपी की राह प्रशांत किशोर के लिए भी आसान नहीं है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि जो काम पीके करने वाले हैं, वो काम वहां पहले से हो रहा है, लिहाजा वहां पर पीके खुद को फोकस ना करें। वहीं कांग्रेस के अंदर मचे घमासान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यदेव त्रिपाठी की माने तो ये सब चलता रहता है। लोकतंत्र की राजनीति में दो तीन चीजें बहुत अनिवार्य, एक तो दलों की स्थिति, और दलों में कहीं ना कहीं पार्टीबाजी गुटबाजी न हो तो वो दल नहीं है, फिर तो वो एक पार्टी या एक लोकतांत्रिक पार्टी तो नहीं है, रह सकते, तो ये तो चलता है, इसमें कोई नई बात नहीं। दरअसल प्रशांत किशोर ने यूपी के सभी जिलों से 20-20 कार्यकर्ताओं के नाम मांगे थे, सभी जिलों ने तो नाम भेज दिए, नहीं आए तो सिर्फ अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर से। दरअसल ये क्षेत्र गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, जिस पर बीजेपी नेता हृदय नारायण दीक्षित ने कांग्रेस पर चुटकी ली है। पढ़े लिखे लोग हैं, कपिल सिब्बल हैं, प्रमोद तिवारी जी हैं, अनेक लोग हैं, माथुर जी हैं, मित्र हैं हमारे, विधान मंडल के नेता हैं, ऐसे नेताओं को दरकिनार कर एक जो पब्लिसिटी के लिए काम कर रहा है, जो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है, वो पार्टी की बैठकें करता है, पार्टी की संभावनाएं तलाशता है, पार्टी की रणनीति बनाता है, पार्टी की नीति बनाता है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई अब नाम लेवा नहीं है और आगे नहीं रहेगा। यूपी में प्रशांत किशोर को उतारने का फैसला राहुल गांधी का है, इसलिए कोई इस पर एतराज तो नहीं जाहिर कर पा रहा, लेकिन गाहे बगाहे सवाल उठ ही रहे हैं। सपा नेता आशिम वकार की माने तो कांग्रेस अपनी हार का इस बार ठीकरा पीके के सिर मढ़ना चाहती है। प्रशांत किशोर जी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चुनाव होने के बाद, अभी तक जितने भी चुनाव हुए थे उसके बाद जो हार की जिम्मेदारी थी वो कांग्रेस का जो मेन नेतागण थे यानी सोनिया जी और राहुल जी के जिम्मे आती थी, बस इतना फर्क पड़ेगा पीके जी के आने से कि अब की जब हार होगी। बिहार की बात और थी, पंजाब का भी मौजूदा माहौल अलग तरह का है, लेकिन यूपी में बड़े ही सीधे समीकरण हैं। ऐसे में जिन बंधे हाथों के साथ प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, सफर बहुत मुश्किल लग रहा है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। बड़ी खबर का रुख करेंगे, मथुरा का मुजरिम राम ऋषि यादव जिंदा है या फिर मुर्दा है, इस पर सस्पेंस अब भी बना हुआ है। दो दिन बाद ही पुलिस इस मामले में फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं बोल पा रही है। खबरों की माने तो पुलिस आज राम ऋषि यादव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। वही खबर ये भी है कि अब जवाहर बाग में मारे गए उपद्रवी की शिनाख्त का सिलसिला जारी है, लेकिन दो ऐसे शव अभी बाकी है जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो माना यही जा रहा है कि इन दो शव में से ही कोई एक शव राम ऋषि यादव का हो सकता है। शवों की शिनाख्त के लिए अब डीएनए टेस्ट का सहारा लिया जाएगा। वहीं डीजीपी का ये भी कहना है कि जब तक सभी शवों की शिनाख्त नहीं कर ली जाती तब तक राम ऋषि यादव के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वहीं अब तक मारे गए उपद्रवियों के शव लेने भी कोई नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पर जिस वक्त डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो शुरुआत से वे यही कह रहे थे कि अगर राम ऋषि यादव जीवित होगा तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी कि वो जिंदा है या मुर्दा है इस बात को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। और अब जबकि दो ऐसे शव मिले जिनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा शक है कि इन दोनों में से कोई एक शव राम ऋषि यादव का हो सकता है, क्योंकि पहचान अब नहीं हो पा रही तमाम जो भी यहाँ पर इस वक्त सबूत है, तो इसलिए अब डीएनए का सहारा लिया जाएगा। डीएनए टेस्ट यहाँ पर कराए जाएंगे, उस टेस्ट के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वाकई में कोई शव राम ऋषि यादव का है, उसके बाद ये भी साफ होगा कि मथुरा का जो मुजरिम है वो जिंदा है या फिर मारा गया है। फिलहाल अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है और हो सकता है कि जो पुलिस है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी भी दे। और मथुरा के बवाल पर मायावती का बयान आया है। मायावती ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मथुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान जो हिंसा हुई थी उसको लेकर मायावती बकायदा मीडिया के सामने आई। उन्होंने यहां पर सब पर आरोप लगाते हुए बीजेपी और एसपी को घेरा। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। उन्होंने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और इस वक्त राज्य में जो स्थिति है ऐसे में राज्य की जनता बीएसपी के शासनकाल को याद कर रही है। तो मायावती ने कहा कि जब वो सत्ता में थी तब राज्य की कानून
कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त थी, वही अब समाजवादी सरकार में जैसा कि हमेशा होता आया है कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। तो मथुरा में बवाल के बाद डीजीपी जावेद अहमद कह रहे थे कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि जवाहर बाग में इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। इसकी जानकारी न होने की बात उन्होंने कही, लेकिन समाचार प्लस आपको बता रहा है कि इन बातों में कितना दम है, क्योंकि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 साल पहले याचिका दायर की गई थी, जिसमें साफ तौर पर जवाहर बाग में अवैध गतिविधियों का जिक्र किया गया था। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी। तो सवाल बार बार यही उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी गतिविधि यहाँ पर संचालित हो रही थी, आखिर क्यों नहीं इस ओर ध्यान दिया गया, आखिर क्यों इसे नजरअंदाज किया गया, या फिर यूं कहें कि आखिर क्यों राम वृक्ष यादव के इस कुंबे को यहाँ पर बढ़ने दिया गया। मथुरा में बवाल के बाद से ही सियासत जारी है, सभी के निशाने पर है समाजवादी सरकार। वहीं मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद घटना है और मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि ऐसा हमारे मथुरा में हो गया, हमारे मेरा संसद क्षेत्र में हुआ करके मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। और इतना बड़ा यहाँ पे हादसा हुआ, वहाँ से पॉलिटिकल आदमी कोई आए नहीं यहाँ देखने के लिए मथुरा में। अब मुझे कह रहे हैं कि आप एमपी कहाँ हैं, एमपी तो हूँ ना, यहाँ एमपी तो आ गई ना, कितना दूर से मैं आ गई हूँ, लेकिन यहाँ लखनऊ इज जो नियर बाय, वहाँ से कौन आया यहाँ पे। रणनीति यही है कि यहाँ पे सीबीआई की जांच मांग रही है, क्योंकि सीबीआई को क्या कर रही थी, 2 साल क्या वो लोग चुप थे, कुछ मालूम नहीं था, अगर मालूम था तो क्यों नहीं बताया, ये हादसा नहीं होता हमारे मथुरा में। जिस राज्य में पुलिस खुद ही अपनी हिफाजत नहीं कर पा रही है क्योंकि वहाँ प्रशासन चुस्त नहीं है, वहाँ साधारण व्यक्ति का जो हिफाजत है वो पुलिस कैसे करेगी। अखिलेश यादव जी का कहना कि पुलिस को और प्रिपेयर्ड होना चाहिए था, दिखाता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन चरमरा चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार वो खुद है। किसी और के कंधे पर रख के अखिलेश जी बच नहीं सकते हैं, खुद इस पूरी प्रक्रिया की, इस पूरी घटना की जो जिम्मेदारी है खुद अखिलेश यादव जी को अपने कंधे पर लेना पड़ेगा और उत्तर देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है क्या, ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है? इनका ये पूर्ण रूप से फेलियर है, सरकार की मशीनरी का फेलियर है और मैं समझता हूँ कि उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए, अन्यथा केंद्र की जो सरकार है, और मैं विशेषकर महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो महामहिम गवर्नर से रिपोर्ट मंगाकर इनको बर्खास्त करें। ये स्थानीय प्रशासन और भूमाफिया दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं चाहता हूँ कि राज्य सरकारें सख्ती के साथ ऐसे माफियाओं से निपटें। मैं श्री किरण रिजिजू के वक्तव्य की निंदा करता हूं, जिसमें उन्होंने बजाय किसी समाधान के सीधे राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। ये उनका वक्तव्य संघवाद की भावना के विरुद्ध है। मथुरा में जो हिंसा हुई, जो 26 लोगों की हत्या हुई, उसमें चाहे किसी की लापरवाही हो, उसकी अक्षमता हो, या जो उसके दोषी हों या उस पर जिम्मेदार हो या जिन लोगों ने उसका संरक्षण किया हो, इस पूरे प्रकरण की जांच हो और जांच में जो लोग दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए। और दिल्ली से खबर, जहां हथियारों का जखीरा बरामद होने से सनसनी फैली हुई है, सलाउद्दीन नाम के शख्स को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 27 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ सलाउद्दीन को गिरफ्तार किया है और ये गिरफ्तारी दिल्ली के सराय काले खां से हुई है। सलाउद्दीन मथुरा का रहने वाला है, तो फिलहाल वहां से भी उसके बारे में पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस तरह से इसकी पहली गतिविधियां थी, क्योंकि यहां पर लगातार इसको निशाने पर था, रडार पर था और इसके बारे में जानकारी रखी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं कामयाबी यहाँ पर है, एक बड़ी कामयाबी है। सलाउद्दीन जिसे गिरफ्तार किया गया है वो आपको बता दें कि यूपी के मथुरा का रहने वाला है। तो अब यहाँ की पुलिस से, यहाँ के प्रशासन से, जो लोकल प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उससे भी सलाउद्दीन के बारे में, उसके घर परिवार के बारे में अब जानकारी जुटाई जा रही है।
मथुरा के जवाहर बाग में अवैध कब्जाधारियों के हमले में शहीद हुए एसपी सिटी और एसओ का चार डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एसओ की मौत हाई वेलोसिटी गोली लगने की वजह से हुई है ये पाया गया है। वहीं एसपी सिटी की अगर बात करें तो उनकी मौत सिर में फ्रैक्चर होने और ब्रेन हेमरेज की वजह से बताई गई है। सीएमओ विवेक मिश्रा ने पोस्टमार्टम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एसओ को गोली सीधे मार गई। पोस्टमार्टम चार डॉक्टरों के पैनल से कराया गया। हाई वेलोसिटी गोली थी क्योंकि ये थ्रू एंड थ्रू क्रॉस कर गई है बोन को तोड़ते हुए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बिल्कुल निशाना ले करके लगाया गया है। बिल्कुल फोरहेड के पास में रूट ऑफ नोज के पास से सीधी गोली। मथुरा का मुजरिम राम वृक्ष यादव का अपना एक अलग साम्राज्य था, एक अपनी न्याय प्रणाली थी, अपना संविधान, अपनी दंड संहिता और जेलों और कई सशस्त्र सैनिकों की पूरी बटालियन। मथुरा के जवाहर पार्क से बरामद दस्तावेजों से पता चलता है कि कैसे 260 एकड़ क्षेत्र में वास्तव में एक अपना अलग गणराज्य चला रहा था राम वृक्ष यादव। यहां अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पुलिस और करीब 3000 कब्जेधारियों के बीच हुए भीषण संघर्ष में कईयों की जान गई है। खबर ये भी है कि स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह के तहत बवालियों का नेतृत्व करने वाले शख्स ने कैंप के निवासियों को मारने की खुद ही योजना बना रखी थी ताकि पूरे का पूरा इल्जाम, पूरा आरोप पुलिस पर लग जाए। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी विध्वंसक मानसिकता के ये लोग थे जिन्होंने यहाँ पर कब्जा कर रखा था। कैंप में मौजूद लोगों को यहाँ रहने के लिए मजबूर किया जाता था। हर निवासी का एक रिकॉर्ड और नंबर था, उनके रिहायशी पते, फोन नंबर, तस्वीर और अन्य सभी जानकारियां सावधानी पूर्वक यहां पर रिकॉर्ड में दर्ज की जाती थी। तो दस्तावेजों से ये भी साफ हो रहा है कि लोगों को कैंप से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। कैंप से अगर किसी को बाहर जाना होता था तो एग्जिट और एंट्री पास उन्हें बाकायदा दिए जाते थे। बाहर जाने वालों को वापसी के लिए रिश्तेदार या फिर परिचितों को बतौर जमानत यहां लाना होता था। पुलिस यहां नक्सलियों की छाप को भी केंद्रित में रखकर जांच कर रही है। और खबर बलरामपुर से आ रही है जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है जिसमें आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं, उपचार इनका चल रहा है। कोतवाली देहात के कलिंदरपुर की ये घटना है जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद मारपीट में तब्दील हो गया है और इस मारपीट में कई लोग जख्मी हो गए हैं। फिलहाल पुलिस को भी सूचना दे दी गई है और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कलिंदरपुर का ये मामला है कोतवाली देहात के जहां पर एक जमीनी विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। संभल पुलिस की हरकत आपको बताते हैं, जो गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ तो नहीं दे पा रही लेकिन उसे पीट जरूर रही है और बलात्कारियों की पैरोकार बनी हुई है। एक गैंगरेप पीड़िता ने खाकी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। जिन दरिंदों ने उसे बंधक बनाकर रखा उसके साथ 3 दिन तक दुराचार किया उन पर एक्शन लेने के बजाय पुलिस पीड़िता को ही परेशान कर रही, बाकायदा उसे पीट रही है और एक काली करतूत नखासा थाने की पुलिस की है। दरअसल इसी इलाके की रहने वाली एक युवती को जान पहचान के युवक बहला फुसला कर ले गए अपने साथ और फिर उसे बंधक बनाया और दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। किसी तरह से ये पीड़िता दरिंदों के चंगुल से छूटकर परिजनों के साथ थाने पहुंची तो पुलिस एक ही आरोपी पर मुकदमा दर्ज करने का दबाव बनाने लगी और बंधक बनाने की बात को ही हटा दिया गया। नखासा थाने में एक लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रकरण संज्ञान में आया। लड़की के पिता के शरीर के आधार पर FIR लॉज कर लिया गया है। लड़की का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। माननीय न्यायालय के समक्ष उसका 164 में बयान कराया जाएगा और नामित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अलीगढ़ में अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक और गाजियाबाद डासना सिद्धपीठ प्रचंड चंडी देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहा नंद सरस्वती ने विवादित बयान दिया है। महंत ने हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दी है और ऐसा नहीं करने पर विनाश के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी है। इसी मुद्दे को लेकर 19 जून को दिल्ली जंतर मंतर जाने की बात उन्होंने कही। देश की परिस्थितियां बहुत खतरनाक हैं। ISIS जैसा जिहादी संगठन हमारे घर तक आ पहुंचा है जिसे बड़ी तादाद में यहाँ के मुस्लिम युवा समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में आज हमारा कर्तव्य है कि पूरी ताकत लगा के हम इस्लामिक जिहादी आतंकवाद का विरोध करें। सरकार इसके बारे में एक श्वेत पत्र जारी करे और सरकार का काम सरकार देखे। एक काम मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ, आज ये लोकतंत्र है, इस्लामिक जिहादी अपनी आबादी बढ़ाकर इस पर कब्जा करना चाहते हैं। हिंदू समाज ऐसा ना होने दे।
यदि यहाँ मुस्लिम जनसंख्या बढ़ गई और हिंदू की जनसंख्या कम हो गई तो देवादिदेव भगवान महादेव शिव भी अवतार लेके यहाँ हिंदू को बचा नहीं सकेंगे। आज हिंदू को अपनी रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ेगा और अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने पड़ेंगे ताकि हमारा समाज, हमारे लोग सुरक्षित रह सके। ललितपुर के तालबेहट के ग्राम कड़ेसरा कला में एक कुएं की सफाई के दौरान एक के बाद एक 10 नरकंकाल मिले, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। कुआं लगभग 100 साल पुराना बताया जा रहा है, जो एक साल पहले गुरु राधा स्वामी ट्रस्ट ने जमीन के साथ खरीदा था। शुक्रवार को कुएं की सफाई करी जा रही थी, तभी अचानक कुएं से नरकंकालों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ, तो कुल मिलाकर 10 नरकंकाल यहां पर मिले। इन कंकालों को देखकर काम कर रहे मजदूर दहशत में आ गए और सफाई काम को रोक दिया गया। घटना की सूचना पर एसपी मोहम्मद इमरान और जिलाधिकारी रुपेश कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। और ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो कुआं जहां से कंकाल मिले हैं और नरकंकाल आप देख सकते हैं जो नरमुंडे यहां से मिले हैं, और पुलिस और प्रशासनिक टीम जो मौके पर पहुंची है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ दशकों पहले या देखी महामारी थी, बस इसको हेल्थ रिकॉर्ड से वेरीफाई किया जाएगा और फिर उसके बाद देखा जाएगा। अभी इस स्टेज पर कहना मुश्किल है। हम यही करेंगे कि सभी संभावनाओं को साथ लेकर चलेंगे और जब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ जाएगी तो आई थिंक उसके बाद हम लोगों के लिए पुष्टिकारक रूप से कुछ कहना संभव होगा। कानपुर में किदवई नगर सेंट्रल पार्क के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भीड़भाड़ वाले इलाके में गोलीकांड से लोगों में भी दहशत फैल गई। पहले तो किसी अज्ञात के मर्डर करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन कुछ वक्त बाद ही मामला साफ हो गया कि यह हत्या प्रेम प्रसंग में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक का जिस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था, उसके फुफेरे भाई ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। आफ्ताब सेंट्रल पार्क के पास दोस्त के साथ टहल रहा था, तभी वहां बाइक से आए शाहरुख ने उसे गोली मार दी। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।